यह चैकेट कील बैग तालाब के किनारे और नाली के किनारे रहने वाला सांप है। ये इस वक्त एक फ्रॉग को पकड़े हुए हैं। ये नॉन वेनमस हैं और ये पानी के करीब ही रहते हैं। इनका पसंदीदा ये खाना है फ्रॉग, और अगर हम इनको छेड़े नहीं तो शायद ये अपना खाना आराम से खा सकते हैं। आज ये हमारी आवाज़ को तो नहीं सुन सकते हैं, अगर हम कुछ कदमों की आहट ना करें या हिले डुले ना तो ये आराम से अपना शिकार को अभी यहीं पे खा सकता है। ये अक्सर यहाँ पे देखे जाते हैं क्योंकि यहाँ करीब में एक तालाब है और एक बड़ा नाला है जिससे ये छोटी नालियाँ ज्वाइन रहती हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आसानी से आ जाते हैं और अक्सर इनको मेंढकों का शिकार करते हुए देखा गया। आओ मत, आओ मत, वहीं रहो, थोड़ा से हट हट जाइए। आप लोग इसकी पहचान कर सकते हैं, ये चेकेड चेकदार होता है, हल्का सा कलर काला कलर और पीला कलर में होता है। ये बस्ती के अक्सर किनारे साइड की नालियों में ये पाया जाता है और लोग इसको जहरीला समझ के मार देते हैं, जबकि ये पूरी तरह से नॉन वेनमस है, यानी कि इसे काटने से कोई भी जहर का असर नहीं होता है, ये जहरीला है ही नहीं। ये सिर्फ अपने खाने को लेकर के जा रहा है और अगर हम इसे ना छेड़ें तो ये आज अपना पूरी तरह से पेट भर सकता है। इससे हम लोगों से शायद दिक्कत है, इसलिए ये छुप कर खाना चाह रहा है। वैसे भी हम लोगों को पसंद नहीं कि किसी के सामने खाना खाया जाए, शायद ये भी उन्हीं में से है। इन्हें काफ़ी वक्त लगता है अपने शिकार को पूरी तरह से अंदर करने में, करीब करीब 1 से 1.5 घंटा भी इनको लग सकता है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लकड़ियों के अंदर जा रहा है ताकि ये आसानी से बिल्कुल इत्मीनान से अकेले में अपना भोजन कर सके। इस फ्रॉग का साइज़ इस सांप के मुंह से करीब करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी ये बड़ी आसानी से इसे खा सकता है। तो फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको दिखा सकें इसको पूरा खाते हुए, तो ये तो अपना खाना खाए और हम चले सोने के लिए। आओ मत, आओ मत,
वहीं रहो थोड़ा से, यहीं रुक हट हट हिल जाए। आप लोग इसकी पहचान कर सकते हैं, ये चेकेड चेकदार होता है, हल्का सा कलर काला कलर और पीला कलर में होता है। ये बस्ती के अक्सर किनारे साइड की नालियों में ये पाया जाता है और लोग इसको जहरीला समझ के मार देते हैं, जबकि ये पूरी तरह से नॉन वेनमस है, यानी कि इसे काटने से कोई भी जहर का असर नहीं होता है, ये जहरीला है ही नहीं। ये सिर्फ अपने खाने को लेकर के जा रहा है और अगर हम इसे ना छेड़ें तो ये आज अपना पूरी तरह से पेट भर सकता है। इससे हम लोगों से शायद दिक्कत है, इसलिए ये छुप कर खाना चाह रहा है। वैसे भी हम लोगों को पसंद नहीं कि किसी के सामने खाना खाया जाए, शायद ये भी उन्हीं में से है। इन्हें काफ़ी वक्त लगता है अपने शिकार को पूरी तरह से अंदर करने में, करीब करीब 1 से 1.5 घंटा भी इनको लग सकता है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लकड़ियों के अंदर जा रहा है ताकि ये आसानी से बिल्कुल इत्मीनान से अकेले में अपना भोजन कर सके। इस फ्रॉग का साइज़ इस सांप के मुंह से करीब करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी ये बड़ी आसानी से इसे खा सकता है। तो फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको दिखा सकें इसको पूरा खाते हुए, तो ये तो अपना खाना खाए और हम चले सोने के लिए।